हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स। गोनेट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। कोई भी जब गोनेट्स का डेवलपमेंट हो, गोनेट्स के किसी भी ऑर्गन का जब डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसके लिए उसके रूडिमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर किडनी का डेवलपमेंट होगा तो किडनी के रूडिमेंट्स होंगे तो उसी से किडनी डेवलप हो जाएगी। ऐसे अगर लंग्स के रूडिमेंट्स होंगे तो लंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इन रूडिमेंट्स के, गोनेट्स रूडिमेंट्स में भी दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, या तो टेस्टिस या ओवेरी हो सकती है। इन रूडिमेंट्स के डेवलपमेंट का आकार किस पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म के साइज, वो सेक्स, ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करता है। मैमल में जो गोनेट्स होते हैं वो पहले किससे बने थे, देखो बच्चों ये देखें, ये बायपोटेंशियल गोनेट्स से डेवलप होते हैं। मैमल्स में जो गोनेट्स होंगे बायपोटेंशियल बायपोटेंशियल गोनेट्स से डेवलप होते हैं। और ये जो बायपोटेंशियल गोनेट्स एक ऐसा है जिसके अंदर ना तो ओवेरी के कैरेक्टर होते हैं, यानी ना तो फीमेल के और ना ही ओवेरी के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। अब मैं तुमको एक डायग्राम से शो करती हूँ कि क्या क्या इसमें कैसे बनता है, कैसे डेवलपमेंट होता है। देखो ये दिख रहा है आपको एकदम क्लियर, ये देखो एक सेकेंड, वन बाई वन मैं आपको बताती जाऊंगी, ये देखते ही जाना। देखो सबसे कैसे गोनेट्स का डेवलपमेंट होगा अपने ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस में जो गोनेट्स होते हैं वो रूडीमेंट, उस गोनेट्स के जो रूडीमेंट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट मेजोडर्म में फोर्थ वीक में अपीयर होंगे। जितना भी मेजोडर्म होती है ना बच्चों, ये देखो ये दिख रही है एक्सक्रीटरी मेजोनेफ्रिक ट्यूबुल्स। तो जनरली जो ह्यूमंस में गोनेट्स का जो रूडीमेंट्स हैं, ये जो गोनेट्स के रूडीमेंट्स दिखते हैं वो रूडीमेंट्स कब कौन सी वीक में अपीयर होते हैं, इस मेजोनेफ्रिक ये कहना है इंटरमीडिएट मेजोडर्म में, ये पूरा इंटरमीडिएट मेजोडर्म है। और इस इंटरमीडिएट मेजोडर्म के अंदर जो कहना है ये जो ह्यूमंस के गोनेट्स के जो रूडिमेंट्स होते हैं वो फोर वीक में अपीयर होते हैं, ये देखो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तथा सेवंथ वीक में, ये सिक्स वीक में देखो ऐसे दिख रहा है, और सेवंथ वीक में आप आसानी से ये पता कर सकते हो कि ये मेल है या फीमेल, आ गया, ये सेवंथ वीक में मालूम पड़ता है, क्लियर आ गया। सुनिए, इंटरमीडिएट मेजोडर्म, ये देखो आपको दिख रहा है, ये इंटरमीडिएट मेजोडर्म जो होते हैं, मेजो ये दिख रहा है आपको, ये मेजोडर्म गोनेडियल रूडिमेंट्स, जो पूरा एक गोनेडियल रूडिमेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट मेजोडर्म के जो गोनेडियल रूडिमेंट्स होते हैं वो एक पेयर्ड रीजन होते हैं, है ना। और जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो गोनेडियल रूडिमेंट्स होते हैं ये क्या नाम है, किडनी के पास स्थित होते हैं। ये जो किडनी बनेगी, यानी मेजोनेफ्रिक ट्यूबुल्स है ना, मेजोनेफ्रिक ट्यूबुल्स से क्या बनेगा, किडनी का फॉर्मेशन होता है। तो जितने ये जो मेजोडर्म के जो गोनेडियल रूडिमेंट्स होंगे वो एक पेयर्ड होते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डेवलपमेंटल किडनी के पास। ये मैं आपको एकदम डायग्राम से और बता देती हूँ, ये देखो ये किडनी है, डेवलपमेंटल किडनी दिख रही है आपको, है ना, ये किडनी का डेवलपमेंट दिख रहा है, ये किडनी, ये देखो यहाँ पर ये मेजोडर्म की किडनी, मेजोडर्म मेजोनेफ्रॉन्स लिखा है उससे किडनी। तो ये जो एक पेयर जो गोनेडियल रूडिमेंट्स होते हैं जिससे या तो टेस्टी, ये अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि क्या बनेगा, टेस्टिस बनेगी या ओवेरी बनेगी। तो ये जो गोनेडियल रूडिमेंट्स होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको वुल्फियन डक्ट, है ना, ये दिख रही है वुल्फियन डक्ट, और एक ये दिख रही है मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट ये रही और वुल्फियन डक्ट। तो ये जो क्या नाम है, एक पेयर जो गोनेडियल रूडिमेंट्स होते हैं वो किसके पास में होते हैं, वो इस किडनी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट ऑफ किडनी के पास में स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास में प्रेजेंट होंगे। अब गोनेडियल रूडिमेंट का जो वेंट्रल पोर्शन है, ये दिख रहा है आपको, है ना, एक सेकंड, इसका जो वेंट्रल पोर्शन होता है, इस वेंट्रल पोर्शन में जेनाइटल रिज, ये दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये जेनाइटल रिज होती है, ये जेनाइटल रिज एपिथीलियम का बना हुआ होता है। तो ये जो गोनेडियल रूडिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो गोनेडियल रूडिमेंट्स का जो अपीयरेंस होगा वो कौन सी वीक में होता है, फोर्थ वीक में होता है ना। और कहाँ पर होगा, ये मेजोडर्म के अंदर, जो पूरा जो मेजोडर्म है, इंटरमीडिएट जो मेजोडर्म है उसके अंदर ये फोर्थ वीक में गोनेट्स रूडिमेंट का अपीयरेंस होगा। और सेवंथ वीक के अंदर ये अपने को मालूम पड़ जाता है कि ये क्या नाम है, कि ये मेल है या फीमेल होता है। इंटरमीडिएट मेजोडर्म जो होता है उसके जो रूडिमेंट्स होते हैं, वो रूडिमेंट कितने हैं, अपन ने जो बताया था ना गोनेडियल रूडिमेंट, वो वन पेयर होते हैं, एक तो वुल्फियन डक्ट से डेवलप होगा, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होगा वुल्फियन से, और मुलेरियन डक्ट से जो डेवलप होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होता है, ठीक है। तो अब अपन क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा।
सबसे पहले जो गोनेडियल रूडिमेंट्स होते हैं उनका जो वेंट्रल पोर्शन है ना, नीचे वाला पोर्शन होता है, वो किसका बना हुआ रहता है? वो जेनाइटल रिज एपिथीलियम का बना है। किसका बना है? ये पूरा जेनाइटल रिज एपिथीलियम का बना हुआ रहता है। इनडिफ्रेंशिएट स्टेज के दौरान जो जेनाइटल रिज एपिथीलियम होती है, ये क्या करती है, ये यहाँ पर कनेक्टेड टिश्यू होता है, इस कनेक्टेड टिश्यू मेजोडर्मल टिश्यू है ना, ये इसका जो मेजो कनेक्टेड टिश्यू होता है, और ये होता है किसमें ओरिजिनेट हो रही थी, ये हो रही थी मेजोडर्म के अंदर। तो इसका जो जेनाइटल रिज का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इस मेजोडर्मल टिश्यू के ऊपर प्रोलिफरेट होना चालू कर देता है। ये दिख रहा है आपको, देखो ये प्रोलिफरेट हो रहा है, हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर प्रोलिफरेट होना चालू कर देता है। किसके ऊपर? जो मेजोडर्मल टिश्यू है ना, मेजोडर्मल जो टिश्यू है उसके ऊपर जेनाइटल रिज की कनेक्टिव टिश्यू होती है, वो प्रोलिफरेट हो रही है, प्रोलिफरेट मैंने ग्रोथ करना चालू कर देती है ना, और ये फिर क्या करती है, ये उसके ऊपर प्रोलिफरेट होकर के इस तरीके से सेक्स कॉर्ड बना देती है। ये देखो, इसी चीज को मैं ऐसे जनरल बता देती हूँ, रफ डायग्राम के रूप में, कि कैसे बना लिए, जैसे ये बना हुआ है ना डेवलपमेंट, तो इसके अंदर ये क्या बना लेगी, ये इसके अंदर सेक्स कॉर्ड बना देगी। कब? जैसे जब ये इसके अंदर प्रोलिफरेट इस तरीके से सेक्स कॉर्ड बन जाते हैं, ये इस तरीके से सेक्स कॉर्ड, और इन सेक्स कॉर्ड के अंदर फिर किसका डेवलपमेंट होगा, इसके अंदर फिर जो जर्म सेल्स होती हैं, वो जो जर्म सेल्स है ना, ये सेक्स कॉर्ड बन जाती है इस तरीके से, और इनके अंदर ये जो जर्म सेल, ये जर्म सेल्स होती हैं, ये जर्म सेल इसके अंदर माइग्रेट कर, ये सेक्स कॉर्ड्स हैं, ऐसी इस तरीके से पतली पतली बहुत सारी सेक्स कॉर्ड्स बन जाती हैं। तो यही चीज आपको मैं डायग्राम से शो कर रही थी, है ना, ये देखो दिख रहा है आपको, डायग्राम में भी क्लियर है, आप इसको एनलार्ज करके देख सकते हैं। तो ये जो सेक्स कॉर्ड्स प्रोलिफरेट हो जाते हैं, और प्रोलिफरेट होकर के ये क्या बना लेते हैं, इस जो सॉरी एपिथीलियम की थी ना, किसकी, जेनाइटल रिज की जो एपिथीलियम थी, इसके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये मेजोडर्मल सेल्स पर प्रोलिफरेट होकर के सेक्स कॉर्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये कब हो रहा, ये होता है 6 वीक में, है ना, ये कब होता है 6 वीक में, जर्म सेल्स अब जब 6 वीक हो जाते हैं, 4 वीक में तो इसका अपीयरेंस होता है रूडिमेंट्स का, और जब 6 वीक्स होते हैं, तो 6 वीक्स में ये जो छोटे छोटे आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, इनको जर्म सेल कहते हैं, ये जर्म सेल्स गोनेड्स में माइग्रेट करना चालू कर देते हैं। कहाँ जाते हैं? गोनेड्स के अंदर माइग्रेट करना चालू कर देते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, और इसमें ये जर्म सेल्स, ये इस तरीके से इसमें ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो सेल्स हैं, ये क्या करती है, इसके अंदर, इस कॉर्ड के अंदर माइग्रेट करना प्रारंभ कर देती है। किसके अंदर? इस कॉर्ड के अंदर, ठीक है ना, दोनों, ठीक है। तथा ये क्या करती है, और ये चारों तरफ से किससे सराउंडेड हो जाते हैं, जर्म सेल, ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये जर्म सेल सराउंडेड हो जाते हैं, किससे सराउंडेड हो जाते हैं, सेक्स कॉर्ड से। दोनों ही एक्स और वाई गोनेड्स में सेक्स कॉर्ड किससे जुड़ी हुई है, सरफेस एपिथीलियम से जुड़ी हुई रहती है, सीलोमिक एपिथीलियम, इससे जुड़ी हुई रहती है सेक्स कॉर्ड। अब अगर मेल होगा, देखो ये दिख रहा है आपको, है ना, अगर मेल होता है, ये तो इसका हो गया, अगर मेल है, हाँ, अब देखो अगर मेल होगा, 6 वीक पर हमको ये मालूम पड़ता है कि मेल है, वो 7th वीक पे कि मेल है या फीमेल है। अगर मेल होगा तो क्या होगा, फीटस अगर कैसा है, मेल है, यानी उसमें XY क्रोमोसोम्स हैं, तो सेक्स कॉर्ड जो होती है, ये जो सेक्स कॉर्ड थी, ये क्या होगी, ये लगातार 8 वीक तक बढ़ती चली जाती है। देखो दिख रहा है आपको, 8 वीक तक सेक्स कॉर्ड बढ़ती रहती है, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक्सटेंड होती रहती है, और ये सेक्स कॉर्ड फिर क्या करती है, एक इंटरनल सेक्स कॉर्ड का फॉर्मेशन कर लेती है, और फिर क्या बनाती है, ये जनरली फिर से आपस में डेवलप होके क्या बनाती है, रेटी टेस्टीज, ये दिख रहा है आपको, ये रेटी टेस्टीज का फॉर्मेशन कर लेती है। कब? अगर फीटस कैसा होता है, मेल होता है, ये मेल होता है, तो ये जो सेक्स कॉर्ड होती है वो लगातार प्रोलिफरेट होती रहती है, और प्रोलिफरेट होकर के ये इंटरनल सेक्स कॉर्ड का फॉर्मेशन कर लेती है, और उसमें क्या बनाती है, फिर डेवलप होकर के इस कहने में रेटी टेस्टीज कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। धीरे 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 क्या होता है, अब ये देखो यहाँ पर पहले यहाँ अटैच थी ना सरफेस एपिथीलियम से, अब यहाँ पर ये क्या होती है, ये सरफेस एपिथीलियम से सेपरेट होती चली जाती है, अब इसका अटैचमेंट इससे नहीं होता, और एक थिन क्या नाम है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये देखो नेक्स्ट डायग्राम, ये थिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई है, एक सेकेंड,
ये थिन एक्सा सेलर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जर्म सेल्स किसमें बन रहे हैं, टेस्टिस कॉर्ड, ये कॉर्ड दिख रही है आपको इतने सारे, टेस्टिस कॉर्ड, एंटी टेस्टिस कॉर्ड, इसके अंदर बनते हैं। और क्या नाम है, फीटल और चाइल्डहुड के समय जब स्टार्टिंग स्टेज होती है, बच्चे होते हैं यानी है ना चाइल्डहुड स्टेज होती है, तब तो ये टेस्टिस कैसी होती है, खोखली होती है। लेकिन बाद में एडल्ट स्टेज के अंदर ये जो टेस्टिस होती है वो कैसी हो जाती है, तो वो सॉलिड हो जाती है ना समय। और जब शुरुआत में चाइल्डहुड स्टेज होती है तब तो ये हॉलो है, और उस समय किसका फॉर्मेशन करेगी, इतने सारे आपको सेमिनिफेयर ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, इन सेमिनिफेयर ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करती है ना। और जब बाद में ये कैसी हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, और उस समय ये जर्म सेल्स होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। सेमिनिफेयर ट्यूब्यूल्स के अंदर इनके अलावा कौन सी सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स भी होती हैं। आपको मैंने बताया था सेमिनिफेयर ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ क्या है, वो अंदर की तरफ क्या है। सेमिनिफेयर ट्यूब्यूल्स में अंदर की तरफ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर था, है ना, क्लब शेप था, वो उसको अपन क्या कहते हैं, सर्टोली सेल प्रेजेंट होती है। और सर्टोली सेल आपको मालूम है कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या है काम, एंटी मैंने अपोजिट मुलेरियन डक्ट, यानी क्या काम करेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, यानी मुलेरियन डक्ट क्या करती है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है, तो मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस कर देती है, डीजनरेट कर देती है, यानी एंटी मुलेरिया हार्मोन क्या करता है, मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोक देती है, जिससे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्लियर। अब स्पर्म टेस्टिस से क्या करेंगे, रेटिटेसिस के माध्यम से कहाँ जाते हैं, ये जो स्पर्म्स होते हैं, ये रेटिटेसिस दिख रही है आपको, इस रेटिटेसिस के माध्यम से ये कहाँ चले जाएंगे, ये इफ्रेंट डक्ट में चले जाते हैं। ये वाली देखो, ये दिख रही ग्रीन कलर की, इस इफ्रेंट डक्ट में चले जाते हैं। इफ्रेंट ट्यूब्यूल्स मीजोनेफ्रिक, वास्तव में क्या है, ये इफ्रेंट ट्यूब्यूल्स है, ये वास्तव में किसके रूडिमेंट्स है, ये वास्तव में किसके रूडिमेंट्स होते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट के, है ना। मीजोनेफ्रिक जो डक्ट होती है उससे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, फीमेल का से नहीं डेवलपमेंट होता है ना, तो मीजोनेफ्रिक डक्ट के रूडिमेंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो क्या करते हैं, ये टेस्टिस को वुल्फियन डक्ट से जोड़ने का काम करते हैं। ये जो टेस्टिस बनेगी ना, इस यहाँ पर ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस को वुल्फियन डक्ट से जोड़ने का काम कौन करेगा, ये काम करता है मीजोनेफ्रिक किडनी के रूडिमेंट्स, वही डेवलप हो जाते हैं, और वो डेवलप होकर के इस टेस्टिस को किससे जोड़ देते हैं, वुल्फियन डक्ट से। यानी देखो वुल्फियन डक्ट से वो वास्तव में क्या है, वुल्फियन डक्ट किससे डेवलप होती है, वुल्फियन डक्ट इस मीजोनेफ्रोस से डेवलप होती है। अगर सुनिए मीजोनेफ्रो, मुलेरियन डक्ट देखो बिल्कुल सेपरेट है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये मीजोनेफ्रस से किडनी बन रही है ना, तो यही मीजोनेफ्रिक जो डक्ट है इसी के रूडिमेंट्स क्या बना लेते हैं, वुल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट का मीजोनेफ्रिक से कोई, मीजोनेफ्रॉन से कोई रिलेशन नहीं होता। क्लियर। तो ये बना एट्थ वीक के अंदर इस पूरा सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि मेल होगा या फीमेल डेवलपमेंट होगा। आया ना सुनिए। अब ये जो वुल्फियन डक्ट थी जो बनी है आपकी, ये डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाती है, वुल्फियन डक्ट से बनता है वास डिफरेंस और एपिडीडाइमस। वास डिफरेंस और एपिडीडाइमस का फॉर्मेशन कौन करेगा, वुल्फियन डक्ट। तो वुल्फियन डक्ट डिफरेंशिएट होकर के वास डिफरेंस और एपिडीडाइमस का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। तो ये तो क्या हुआ, मेल गोनेट्स का डेवलपमेंट हुआ। अब फीमेल गोनेट्स का डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, है ना, ये पढ़ते हैं। फीमेल गोनेट्स में, फीमेल में जो जर्म सेल्स थी, ये देखो आपको दिख रहा है, वापस से रिपीट कर रही दूसरा, है ना, जो फोर्थ वीक में रूडिमेंट्स थे दिख रहा है यहाँ। हाँ, फीमेल्स में जो जर्म सेल्स थी उन जर्म सेल्स का, ये देखो अब दिख रहा है क्लियर, एक सेकेंड, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर है, है ना, डायग्राम क्लियर है, एक सेकंड क्या आ गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ पे तो क्या हुआ था बच्चों, ये जो जेनाइटल रीच थी वो जेनाइटल रीच प्रोलिफरेट होने लगी और सेक्स कॉर्ड का फॉर्मेशन करने लगी, किसके लगातार बढ़ती रही, प्रोलिफरेट होती रही, और किसका बना रही थी, मेल के सेक्स कॉर्ड का फॉर्मेशन करने लगी, जिससे रेटिटेसिस बन गई और सेमिनिफेयर ट्यूब्यूल्स का डेवलपमेंट होने लग गया। लेकिन फीमेल गोनेट्स में, गोनेट्स
जो जर्म सेल्स होते हैं ये जर्म सेल्स गोनेड्स के बाहरी सरफेस पर ही होते हैं, यहीं पर ही रह जाते हैं। देखो यहीं रह जाएंगे, देखो सरफेस पर ही प्रेजेंट है ना, इसमें कहाँ प्रेजेंट है, ये केवल सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं, ये आगे की तरफ माइग्रेट नहीं करते। ये देखो आपको यहाँ दिख रहा है, इसकी केवल सरफेस पर ही ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? एक सेकंड, हाँ अब क्लियर है ना। तो ये जो गोनेट्स जो सेल्स होते हैं वो सॉरी जर्म सेल्स जो होती है फीमेल के अंदर वो कहाँ होती है, वो केवल इसके डेवलपमेंट के समय मेल की तरह माइग्रेट, वो इसका प्रोलिफरेट नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होगा कि यहीं पर ही रह जाती है। जो जर्म सेल्स होती है वो केवल इसकी सरफेस एपिथेलियम पर ही रह जाती है। क्लियर? अब क्या होगा, लेकिन फीमेल का इनिशियल सेक्स कॉर्ड जो होते हैं, एक सेकेंड, फीमेल में जो जर्म सेल्स गोनेट के सरफेस के बाहरी भाग पर रहते हैं, इनमें डेवलपमेंट मेल की तरह नहीं हुआ कि प्रोलिफरेट हो रहे हैं और उसका डेवलपमेंट होता चले जाएगा, बल्कि इसमें जो इपिथीलियम होती है ना, ये गोनेट्स की जो आउटर इपिथीलियम, ये जो कॉर्ड्स होती है, जो कॉर्ड ये जो स्टार्टिंग में जो सेक्स कॉर्ड बन रही थी, ये जो सेक्स कॉर्ड होती है, ये सेक्स कॉर्ड बस केवल इसकी आउटर सरफेस तक ही रह जाती है। इसकी किसकी, इस जेनिटल रिज के आउटर सरफेस पर ही रहती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड, इस वाले पार्ट को, है ना, जो सरफेस एपिथेलियम पे ही रहेगा, तो इसको हम कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड कहेंगे। अब इससे क्या हुआ, तथा इसमें ये क्या बनाएगी, ये जो सेक्स कॉर्ड होती है क्लस्टर बना लेती है, ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेती है, और ये देखो क्लस्टर बन गया ना, और ये जो कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड होती है जिसको बाहर से बन गई ना कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड, ये कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड क्या करती है, ये जितनी भी जो जर्म सेल्स थी उन जर्म सेल्स को क्या करती है, सराउंड कर लेती है। ये जो जर्म सेल्स हैं, इन जर्म सेल्स से क्या बनेगा बच्चों, ओवा, ओवा का फॉर्मेशन इन जर्म सेल्स से होता है, ठीक है। और जो ये जो कॉर्टिकल सेक्स सेल थी यहाँ पर जो बन रही थी, है ना, कॉर्टिकल जो क्या नाम कॉर्ड्स बन रही थी, सेक्स कॉर्ड, कौन सी, कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड, वो जो कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड होती है, वो कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड क्या बनेगी, वो करेगी कॉर्टिकल सेक्स ग्रैनुलोसा सेल का फॉर्मेशन करेगी। अब उन ग्रैनुलोसा से क्या बनेगा, ग्रैनुलोसा, फिर ग्रैनुलोसा के बाद आपको मालूम है जो ओबरी के मेजेनकाइम सेल्स होते हैं ना, ये पूरी वो ओबरी बन गई है, और इस ओबरी के जो मेजेनकाइम सेल्स होंगी, वो मेजेनकाइम सेल्स क्या बनाएंगी, वो मेजेनकाइम सेल थीका का फॉर्मेशन करती है। तो ये मैं आपको पूरा डेवलपमेंट बताया, ओबरी का डेवलपमेंट आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको पूरा फुल डिटेल है कि कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर? अब ये तो हो गया थीकल सेल, और आपको मालूम है कि जो मेजेनकाइम सेल्स थी ओवरी की, वो तो क्या बना रही है, इसकी जो मेजेनकाइम सेल है यहाँ, वो तो क्या बनाती है, वो थीके का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। और इसकी जो वो कॉर्ड्स थी आउटर कॉर्टिकल कॉर्ड, वो क्या बना रही थी, ग्रैनुलोसा। ये दोनों मिलकर के कौन, थीका प्लस ग्रैनुलोसा सेल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये देखो थीका और ग्रैनुलोसा सेल, ये थीका प्लस ग्रैनुलोसा सेल, ओहो ग्रैनुलोसा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्रैनुलोसा, ये मिलकर के बनाते हैं फॉलिकल। क्या बनाते हैं, फॉलिकल का फॉर्मेशन करते हैं, और आपको मालूम है ओवरी की यूनिट क्या है, फॉलिकल, तो फॉलिकल का डेवलपमेंट करते हैं, है ना। और ये जर्म सेल्स को क्या करते हैं, चारों तरफ से फॉलिकल जो होती है, वो फॉलिकल क्या करती है, जो जर्म सेल्स होती है ना, जैसे ये फॉलिकल बना, तो ये जर्म सेल है कौन, ओवा, और इस ओवा को ये जो फॉलिकल होते हैं ये क्या कर लेते हैं, चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं या घेर लेते हैं। और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं ये स्टीरॉयड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कौन सा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, तो एस्ट्रोजन को ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है। फीमेल में मुलेरियन डक्ट सेपरेट, वो इंटैक्ट रहती है ना, सुरक्षित रहेगी। ये देखो आपको दिख रहा है मुलेरियन डक्ट, येलो कलर की जो आपको दिख रही है मुलेरियन डक्ट, ये देखो ये मुलेरियन डक्ट, ये जो फीमेल के अंदर जो मुलेरियन डक्ट है, ये मुलेरियन डक्ट कैसी होती है, सुरक्षित रहती है, और ये ही क्या करती है, डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाएगी आगे जा करके, ओविडक्ट, यहाँ से ओविडक्ट बनेगी, है ना, और ओविडक्ट फिर नीचे सर्विक्स और वजाइना का फॉर्मेशन करेगी। यही डायग्राम से मैं आपको वापस यहाँ पे पूरा बता देती हूँ। ये मुलेरियन डक्ट फीमेल के अंदर डेवलप हो गई, ये दिख रहा है आपको, हाँ ये मुलेरियन डक्ट दिख रहा है ना इधर, ये मुलेरियन डक्ट है, ये देखो इसमें ये मुलेरियन डक्ट थी,
ये लिखा हुआ है मलेरियन डक्ट, और यही मलेरियन डक्ट डेवलप होकर के क्या बना रही है, ये देख रहे हो ओवी, क्या नाम है ओविडक्ट, ये लिखा हुआ है ओविडक्ट, ये यूट्रस, ये लिख रहा है ना, ये यूट्रस, ये वेजाइना, ये सारा फॉर्मेशन कौन करता है, ये करती है क्या नाम है मलेरियन डक्ट से होता है। तो ये क्लियर हुआ फीमेल का डेवलपमेंट और गोनेट्स का डेवलपमेंट। कल अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मैमेलियन प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन, प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे। क्लियर? ओके, थैंक यू।